Hi, this is Kunal Mehta from Commodities Control Mumbai, and today we have here Mr. Jivansingh K Biyas, who's the Vice President of Maharashtra Cotton Ginners Association, and he's the owner of Sriji Ginning and Pressing Factory in Dharanga. So Mr. Jivansingh K Biyas, can you give us a brief introduction of your business? Our business basically cotton ka hai. Cotton ginning pressing mein cotton raw cotton leke process unit hai hamara. रुई अलग निकालना कॉटन सीड अलग ये प्रोसेस करा के हम लोग कॉटन की जो बेल है ये बेल डोमेस्टिक मार्केट मतलब कोयम्बतूर अहमदाबाद कोल्हापुर और एक्सपोर्ट के लिए जो ट्रेडर लोग है मल्टीनेशनल में जैसे लूज डेफर है ओला मैक्रो है ग्लेनकोर कंपनी है गिल एंड कंपनी है भाई इसमें के वी एस करके है आई टी सी करके है जो ट्रेडर लोगों को हम मतलब एक्सपोर्ट के लिए रुई सेल करते हैं एक्सपोर्ट के लिए और मेरा समझो कॉटन का जो बिजनेस है मेरा समझो 30 से 35 साल से है और 2002 से मेरा फैक्ट्री ओपन हुआ है 2002 से मेरी ऑलरेडी फैक्ट्री ओपन हुआ है 2002 से 15 साल में मैंने मतलब यहाँ मसावत में ओम जिनिंग के नाम से है जगदम्बा कॉटन करके बोदौड़ में मेरा एक यूनिट है तीनों स्टेशन मिलके मेरा कम से कम 1,50,000 गाठ का प्रोडक्शन मेरे पास ईयरली रहता है ईयरली 1,50,000 बिल्स ओके 1,50,000 बिल्स का टारगेट ये साल में रहता है हाँ तो मतलब ये हो गया कुछ 30 से 40% के आसपास टोटल प्रोडक्शन के हिसाब से इंडिया का टोटल प्रोडक्शन आप अगर 360 पकड़ तीन पचास तीन पचास तो उसमें आप 150 तो आपका ये 1,50,000 1,50,000 हाँ वो तो बहुत नीचे क्वांटिटी थी हाँ 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 अभी दरंगा का कुछ हाँ ठीक है तो फिर मुझे ये जानना है कि अभी दरंगा में और बाकी के जो खानदेश एरिया में कॉटन का जो अभी सिनेरियो क्या है एग्जैक्टली धरंगाव एरिया का बेसिकली धरंगाव एरिया में 16 जिनिंग फैक्ट्री धरंगाव स्टेशन पे है धरंगाव के अंडर में 16 जिनिंग फैक्ट्री धरंगाव तालुके के बीच में है जिसमें समझ लो कि 12 फैक्ट्री चल रही 4 फैक्ट्री बंद हो चुका है और ये बंद होने का कारण कि जो कॉटन के जो रेट है हर समय में कॉटन के जो अंची मतलब कॉटन के जो सट्टा बाजार बोलो या वायदा बाजार के हिसाब से जो अपडाउन होता है बाजार में इसमें ये लोग टिक नहीं पाए तेजी मंदी में टिक नहीं पाए इसके कारण से जो नुकसान हुआ 2011-12 की सुनामी में जो नुकसान हुआ लोगों का कॉटन में जो 70,000 हो गई और फिर 30 हो गई तो इसमें जो लोगों का नुकसान हुआ तो वहाँ से वो उभर नहीं पाए और उसके बाद में हर साल में मतलब कॉटन के रेट में इतना फ्लक्चुएशन रहा तेजी मंदी इतनी रही कि हर साल में लोगों को पैसा मिल नहीं पाया और जो नुकसान है उसका मतलब इंटरेस्ट ज़्यादा लगा और मतलब हाँ मतलब काम कम हुआ बिजनेस कम हुआ और इंटरेस्ट ज़्यादा लगा इसमें लोग कोलैप्स हो गए मतलब अरे बाप रे तो फिर अगर ये देखा जाए आप बोल रहे हो कि 12 जिनिंग फैक्ट्रीज चल रहे हैं ये साल में जिनिंग फैक्ट्रीज को क्या दिक्कतें फेस हो रही है कॉटन प्रोक्योर करने में या कॉटन वेराइटी में देखा जाए या कॉटन के क्वालिटी में देखा जाए तो फिर उसका क्या अभी इस साल में जो कॉटन की क्वालिटी है जो पिंक बॉल का जो प्रॉब्लम आया ये पिंक बॉल के प्रॉब्लम से कॉटन की क्वालिटी खराब हो चुकी मतलब येलो डॉट ब्लैक डॉट लाल ये जो डॉट आ रही इसके कारण डोमेस्टिक यान में भी उसका दिक्कत आ रही है ये कॉटन यान में भी दिक्कत कर रहा है और वो डॉट के कारण एक्सपोर्ट में भी दिक्कत आ रही है तो इसको जो मार्केट होना बाजार बहुत से माल बिक नहीं पा रहा और फार्मर्स को यील्ड कम होने के कारण पिंक बॉल के कारण फार्मर का यील्ड जो है 50% हो गया जो लास्ट ईयर के सामने ये साल का उसका जो यील्ड है 50 से 60% यील्ड आ रहा उसको तो वो यील्ड के कारण और वो उसके कारण वो कपास बेच नहीं पा रहा मार्केट में हाँ उसको उसको कम से कम जो यील्ड के लिए उसको जो मजदूरी लग रही मजदूरी ज़्यादा लग रही एक्सपेंसिव जो कपास पे लगा वो ज़्यादा लगा और जो मार्केट में आज वो यील्ड पिंक बॉल के कारण जो क्वालिटी कॉटन में जो दिक्कत आ रही उसके रेट कम है तो काश्तकार को मतलब वो उसमें नुकसान मतलब एट पर हो रहा उसको जो पैसा प्रीमियम मिलने को ना उसको जो पैसा मिलने को ना इस मतलब कॉटन से पैसा नहीं मिल पा रहा इसके कारण से वो कपास बेचने में थोड़ा रुक गया उसको कम मिनिमम 5,000 रुपये का रेट कपास का काश्तकार को घर से होना जब वो कपास मार्केट में आएगा अभी जो जो फार्मर्स थे उन्हें तो जो बेच दिया जिसको गरज थी जिसको पैसे का काम है उन लोगों ने कपास बेच दिया अब जो फार्मर है इनके पास स्टोरेज कैपेसिटी है
ये सदन काश्तकार है, बड़े काश्तकार है, इनके पास होल्डिंग कैपेसिटी, इनके पास गोडाउन है, सिस्टम है, उसका लोग कभी कपास सेलिंग के लिए रुके है। ठीक है, तो मैं ये समझा, अभी अगर देखा जाए कपास की चार पैकिंग होती है बराबर, हाँ, तो ये चार पैकिंग में से अभी तक कितना पैकिंग हो चुका है महाराष्ट्र में? कपास की बीटी कॉटन की पैकिंग तीन ही होती है वैसी। अच्छा, तीन ही होती है। हाँ, वैसा देखा जाए तो तीन, उसमें दो पिकिंग हुई तो पानी के कारण डैमेज हुआ, वो एक पिकिंग का नुकसान हुआ काश्तकार का, सेकंड पिकिंग हुआ, और थर्ड पिकिंग में पिंक बॉल का प्रॉब्लम आ गया, तो वहाँ से उसका मतलब प्रोडक्शन एकदम लॉस हो गया पूरा। सेकंड में थोड़ा अच्छा, सेकंड में ही उसका जो अच्छा क्वालिटी है वो क्वालिटी किसान ने पकड़ के रख लिया, स्टोरेज कर लिया। ठीक है, समझ गया। हाँ, अभी थर्ड पिकिंग में जो क्वालिटी आ रही वो एकदम सी ग्रेड की आ रही है। हमारे जो अच्छा क्वालिटी उसका 76 के आसपास है, जो लास्ट ईयर में 80 था पिंक बॉल के कारण, आरडी जो आरडी वैल्यू है कॉटन की वो 74 से 76 के बीच में हुई, जो बिफोर लास्ट ईयर 81-82 ऐसी आती थी। तो फिर अगर ये सब इश्यूज हम लोग अगर देखा जाए तो फिर ये खानदेश के एरिया में प्रोडक्शन आप कितना एस्टिमेट करते हो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में? लास्ट ईयर के कंपैरिजन में खानदेश में समझ लो 20 लाख गाट का था, तो इस साल में 15 लाख का, 14 से 15 लाख गाट का एस्टिमेट है। अभी ये साल का 14 से 15 लाख, 20 लाख था, 20 लाख, 15 लाख का, मतलब 25% घट जाएगा। हां, 25% घट जाएगा। और दूसरी, क्योंकि खानदेश में पिंक बॉल का प्रॉब्लम, खानदेश एरिया जो है ड्रिप इरिगेशन के कारण खानदेश एरिया में जो स्विंग होता है वो मई महीने में होता है, और पिंक बॉल का जो प्रॉब्लम है ये 15 अक्टूबर के बाद में आया है। 15 अक्टूबर के बाद में पिंक बॉल, जब तक हमारे खानदेश का मोस्टली कॉटन निकल चुका था, उसके कारण हमारे यहाँ खानदेश में यील्ड उतना नहीं घटा जितना अनदर एरिया में घटा। अनदर एरिया में विदर्भ और मराठवाड़े में जो यवतमाल, उधर नवंबर में सीजन स्टार्ट होता, वो सीजन स्टार्ट हुआ जब से पिंक बॉल आ गया। ओके, तो फिर अभी देखा जाए, आप बोल रहे प्रोडक्शन 15 या 16 लाख, 14-15 लाख के आसपास। ठीक है, तो फिर अगर उसमें देखा जाए तो फिर अराइवल कितना हो गया रहेगा खानदेश में अभी तक? अभी तक का खानदेश में अराइवल अभी तक का होगा ना मेरे हिसाब से 8 लाख के आसपास होगा, 7-7.5 लाख का। हाँ, बाकी का जो है अभी फार्मर के घर पे रहेगा। हाँ, दूसरी बात मैं ये भी सुन रहा हूँ कि 15 तारीख के बाद कुछ 70% ऑफ महाराष्ट्र कॉटन क्रॉप हो जाएगा, पिकिंग हो जाएगा, 70% का पिकिंग हो जाएगा, क्योंकि इस साल फार्मर ने 2-3 पिकिंग जल्दी हुआ, एक साथ में हुआ, लेबर के कारण एक साथ में पिकिंग हुआ। अच्छा, ये लेबर का क्या इश्यू है बेसिकली? नहीं, बेसिकली लेबर का जो लास्ट ईयर में लेबर में जो काश्तकार को 5 रुपए किलो और 6 रुपए किलो का मतलब चुनाई खर्चा था, वो ये साल में डायरेक्ट सीधा सर उसको मतलब कि 10 रुपए किलो, 10 से 12 रुपए किलो एक्सपेंस एक साथ में, जो मुझे क्लाइमेट में जो हीट था जब कपास फूटा तो एक साथ में कपास फूट गया, तो उसी साथ में लेबर नहीं मिल पाए। हाँ, बारिश हो गई उसके कारण फिर वापस रुका, तो एक साथ में दो पिकिंग, एक ही साथ में एक पिकिंग हुई, दो पिकिंग होना थी तो एक पिकिंग हुई, अब लेबर तो उतना ही है और पिकिंग डबल, दो एक साथ में, तो उसी कारण लेबर कॉस्ट जो काश्तकार की बढ़ गई, लेबर कॉस्ट बढ़ने के कारण उसका जो खर्चा है वो बढ़ गया। उसी कारण फार्मर जो है कि भाई उसको कपास के दाम अभी ये दाम में उसको मतलब पूरता नहीं है, ऐसा उसका बोलना है काश्तकार का जो कहना है। तो फिर अभी का कपास का दाम कितना रहेगा जो फार्मर को मिल रहा है? अभी तो लास्ट 4500 था, अभी तो 48 रुपए की पोजीशन है आज। अच्छा, आज लेटेस्ट भाव 48 रुपए की है। 3-4 दिन में, 3-4 दिन में कपास में 200 रुपए बढ़ गया है। अच्छा, जिसमें सीड में भी 100 रुपए बढ़ा और रुई में भी समझ लो 1000 रुपए खंडी बढ़ा, वो सबसे कपास के भाव 4800 रुपए की है। अब ये 5000 हो जाएंगे जब किसान जो बाकी लोग थोड़े बहुत बेचेंगे। तो फिर धरनगांव का अगर देखा जाए तो कैपेसिटी कितना है? धरनगांव का समझ लो 5 लाख गाट का प्रोसेस होंगे, इतनी बड़ी कैपेसिटी धरनगांव की है। पर बिफोर लास्ट ईयर यहाँ 3.5 लाख गाट का प्रोसेस हुआ था। अच्छा, जो ये साल में 2.5 लाख के आसपास होगा। हाँ, तो इस टाइम मतलब महाराष्ट्र का कॉटन 80 लाख बेस के ऊपर लगता नहीं जाए? नहीं,
कितना लगता है आपको बस कुछ 70 से 80 के बीच में वही 70 के 80 से बीच में क्वालिटी इश्यूज फेस होने वाले हैं कि वही 70 और 80 के बीच में क्वालिटी अच्छी आने वाली है देख क्वालिटी का 70 लाख जो गठान आएंगे उसमें क्वालिटी कितनी आएंगी अब जो डैमेज कपास है हाँ। ये सब मिला के क्वांटिटी जमेंगी ना पूरे 70 लाख गाठ में अच्छा तो वो सब मतलब डैमेज मिला के आप बोल रहे हो 70 लाख गाठ अच्छे से आने वाले हाँ ऐसा तो सभी कॉटन कोई भी हो ए बी सी जो भी क्वालिटी बनी हो वो गिना जाएगा बराबर तो फिर देखा जाए तो फिर एक्सपोर्टर मैं सुन रहा हूँ कि सबसे ज्यादा अभी ले रहे हाँ एमएनसी जो है साउथ के मिल्स ये सब जो खराब क्वालिटी का कॉटन या एवरेज क्वालिटी का एवरेज क्वालिटी का कॉटन जो ले रहे हैं अभी और वो जाके बांग्लादेश में एक्सपोर्ट हो रहा है बराबर तो फिर उसका प्राइस रेंज अभी क्या चल रहा है उसका प्राइस रेंज में 2000 रुपए खंडे का डिफरेंस है जैसा अच्छी क्वालिटी का भाव 39,000 है तो उसके भाव 36 से 37 के बीच में अच्छा हाँ तो मिल्स स्पिनिंग मिल्स और वो सब के कंपटीशन के सामने मतलब जो देखा जाए डिमांड अभी सबसे ज्यादा एक्सपोर्टर से आ रहा है बराबर हाँ और अभी स्पिनिंग मिल इतने ईगर नहीं है तो क्या करना नहीं स्पिनिंग मिल भी लेवल में मतलब डेली जो माल लगता है तो स्पिनिंग अब इंडिया लेवल पे समझो 1.5 लाख गाठ के आ रहा है बोले तो उसमें 1 लाख गाठ तो डोमेस्टिक मार्केट में ही जाती है ना बराबर 50,000 गाठ एक्सपोर्ट में जाती है 50 जाती है 70-80 कुछ ना कुछ 50-60-70% का शेयर तो डोमेस्टिक का ही है उसमें हाँ, तो फिर अभी आप एक्सपोर्टर की बात करें और हाँ, ये RCM की बात करें हाँ, तो फिर ये RCM में जिनर और एक्सपोर्टर को क्या दिक्कत फेस हो रही थी RCM के कारण क्या हो रहा जिनिंग उद्योग जो है हाँ, जो 4-5 साल में जिनिंग उद्योग जो धोखा में आ गया संकट में आ गया तो जिनिंग उद्योग का जो कैपिटल है जिनिंग ओनर का वो कुछ कम हो गया नुकसान के कारण जो कपास के जो अपडाउन रहे सट्टा मार जो इश्यू रहे कपास के हर टाइम में तेजी मंदी के इश्यू में जो नुकसान हुआ इससे जिनिंग का कैपिटल कम हो चुका है जिनिंग का कैपिटल कम होने के बाद में उसको मतलब कि RCM में जो 5% RCM भरना पड़ रहा है वो एक महीना तक जिनिंग का पेमेंट मतलब अटक जा रहा और उसका इंटरेस्ट भी कुछ मिल नहीं पाता उसका रिटर्न कुछ नहीं जैसे हम बैंक से सीसी ले रहे तो हमको तो एक दिन का ब्याज लगता रोजाना ब्याज लगता और वो पेमेंट गवर्नमेंट हमारा फ्री ऑफ चार्ज वापरती है एक महीना के लिए वो रिटर्न आएगा जब तक तो हमको मतलब वो पेमेंट एक महीने में रिटर्न आएगा जब तक तो हमारा मतलब बहुत काफ़ी नुकसान जिनिंग उद्योग का RCM के कारण हो चुका है हो रहा है मतलब हाँ या तो इस पर कोई गवर्नमेंट का एक तो RCM न लगाए तो भी अच्छा है और लगाए तो फिर इसको कोई इंटरेस्ट देने की जिनस को इंटरेस्ट देने की सुविधा कोई गवर्नमेंट ने करने को ना तो भाई RCM बनेंगे जितने दिन आपके पास आप जितना पैसा हमारा वापरेंगे यूज करेंगे जैसा गवर्नमेंट का पैसा हम यूज करते तो हमको तो 24 आवर ब्याज देना है तो हमारा पैसा जितना यूज करेंगे उसका हमको इंटरेस्ट दो ना हमारा डिमांड ये है अभी RCM के बारे में 15 तारीख को जो 15 तारीख को मैंने सुना कि RCM का भी अभी हाँ RCM के लिए हमने सुझा हमारे जो कमेटी थी मतलब कि जो गवर्नमेंट के सेक्रेटरी उनसे बात करी उनसे मिला तो हमने उनको बोला है कि भाई हमने 15 तारीख के लिए तो एक दिन के लिए सब पूरा इंडिया बन रखा है स्ट्राइक पे उन्होंने 21 तारीख में हमारे को आश्वासन दिया है कि इस पर कुछ ना कुछ सुझाव निकाल के रास्ता निकालेंगे और रास्ता अगर इसमें नहीं निकला 21 तारीख को तो हम 22 तारीख के पास से पूरा टोटल संपर्क कर देंगे बंद कर देंगे जिनिंग फैक्ट्री बंद कर देंगे उद्योग बंद कर देंगे हाँ हाँ तो अगर पिकिंग के हिसाब से जाओ तो फिर एक पिकिंग का शेयर कितना रहता है मतलब एक पिकिंग में कितना कपास निकल सकता है परसेंटेज में देखा जाए अभी जैसे लास्ट ईयर में एक एकड़ में 10 से 12 क्विंटल का उत्पादन था यहाँ अच्छा तो इस साल में एक तो उत्पादन को जो फर्स्ट पिकिंग है इसमें फर्स्ट और सेकंड पिकिंग में 5 से 6 क्विंटल मतलब 50-60% कपास फर्स्ट सेकंड में निकल जाता है अच्छा अच्छा दो पिकिंग में बराबर और बच्चा को जो 5-6 क्विंटल लगे वो सेकंड पिकिंग जो फर्दल कपास बोलते हैं उसमें 4 से 5 क्विंटल उसको मिलता है तो ये साल में वो 405 जो सेकंड पिकिंग है ये कपास पिंक बॉल के कारण आने वाला नहीं है तो उसको मतलब 50-60% कपास उसके पास नहीं आने वाला 50% आएगा नहीं उसके पास कपास 50% हाँ अभी आपका ऑयल मिल फैक्ट्री भी है हाँ आपका ऑयल मिल फैक्ट्री भी है हाँ तो फिर मुझे उसमें जानना है कि ये पिंक बॉल वर्म की वजह से क्या दिक्कत फेस हो रही है अगर आप देखा पिंक बॉल के कारण क्या जो काटन सीड है काटन सीड में जो अली ईल के कारण वो काटन सीड का जो ऑयल है वो परसेंटेज काफ़ी नीचे आ चुका है और जो केक है केक की क्वालिटी जो होना वैसी नहीं जो केक को जो कलर आता वो कलर डैमेज हो रहा
पिंक बॉल के कारण, मतलब ऑयल परसेंटेज में डैमेज हो रहा और क्वालिटी से भी डैमेज हो रहा। अब जैसा अच्छी हमारा अच्छी जो बढ़िया कॉटन है उसमें हमारा 10% ऑयल निकलता 10 किलो, तो इसमें हमारा 5 किलो ऑयल निकल रहा है, 50% ऑयल की मार गई थी इसमें। और रेट जो केक के रेट है इसमें कम से कम क्विंटल में 200 से 100 रुपये क्विंटल कम मिल रहा है उसका केक का रेट। हाँ ग्रेड वाइज करना पड़ता है उसको अलग अलग, ऐसा वो ग्रेड वाइज करना पड़ता है। खल का तो कंजम्पशन हमारा जैसे गुजरात जाती है, हरियाणा भी जाती है, नगर महाराष्ट्र में हर स्टेशन पर जाती है, जलगांव डिस्ट्रिक्ट पूरा जाती है, लोकल एरिया में जाती है। खल का कहीं ऐसा कहीं नहीं हो तो एमपी में भी जाती है। खल और कॉटन जो रुई है ये कहीं भी हिंदुस्तान में कहीं भी जाती है, ऐसा कि इसका कोई बेसिकली नहीं है कि यहीं जाएंगे, वो जहाँ की डिमांड सप्लाई पर रहता है, डिमांड सप्लाई। बराबर ठीक है, और कोई क्वेश्चन? ठीक है, सो थैंक यू सो वेरी मच सर आपने। अभी हमारा कहना है कि गवर्नमेंट को हमारे की कहना है कि हमारे उद्योग पे पूरा अच्छी तरीके से मतलब ख्याल देंगे तो ये उद्योग टिका रहेगा। अगर ये उद्योग कोलैप्स हो गया तो फार्मर कपास किसको बेचेंगे, ये प्रॉब्लम आ जाएंगे गवर्नमेंट के सामने। गवर्नमेंट तो इतना कपास ले नहीं सकती, गवर्नमेंट के पास इतना ये नहीं बनने की फार्मर, ये हमारे यूनिट के लिए एक तो बिजली दर का गवर्नमेंट ने हमारे को राहत देने को ना, और जो हमारे जो लोगों का समझ लो नुकसान होगा, जो लोग इंडस्ट्री बंद पड़ी है इसको रिस्ट्रक्चर करके इसको वापस लोन देके इसको खड़ा करने को ना। वो भी कतार पे है तो इस पे अगर ख्याल नहीं जाए तो डे बाय डे बंद होते जाएगा, तो ये उद्योग बहुत नुकसान में जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सो वेरी मच, आपने हमारे साथ इतना सारा नॉलेज शेयर किया, आपके 15 साल का एक्सपीरियंस का अब हम आभारी, आपके आभारी है। एंड थैंक्स।